इस बात में कोई शक नहीं कि बॉलीवुड में फिल्म आशिक बनाया आपने से सबके दिलों की जान बन चुकी तनुश्री दत्ता फिल्म इंडस्ट्री से गायब होने के बावजूद लोगों के दिलों की धड़कन बनी रही। लेकिन हाल ही में खुलासा हुआ कि तनुश्री दत्ता गंभीर बीमारी डिप्रेशन से जूझ रही थी और फिर वो परिवार से दूर भी हटी थी विदेश अमेरिका में जाकर जो 2 साल तक घर वापस लौटने के लिए इंडिया आने के लिए तड़पती थी। तनुश्री दत्ता ने खुद खुलासा किया है कि वो अपनी बहन ईशा दत्ता की शादी में क्यों नहीं पहुंच सकी और साथ में उन्होंने कई राज से पर्दा उठाया। लंबे समय तक फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहने के पीछे क्या राज था और क्यों वो लाइमलाइट से दूर हटी, ये सब सच सुनिए खुद तनुश्री दत्ता से। ये बस कमिंग बैक टू इंडिया है, दैट्स ऑल दैट इज़ देयर। मतलब मैं चाहती हूँ कि लोग इस को ज़्यादा टू मच रीड ना करें। ये एक सिंपल सा मेरा डिसीजन था टू कम बैक टू इंडिया, क्योंकि पिछले दो साल में मैं इंडिया वापस इसलिए नहीं आ पा रही थी क्योंकि जब मैं अमेरिका गई थी तो मैंने वहाँ पे अपना रेसिडेंटशिप अप्लाई किया था, ग्रीन कार्ड अप्लाई किया था, तो उसके तहत मुझे जो ट्रैवल परमिट्स मिलती थी उसको रिन्यू करवाना पड़ता था। तो जब भी मैं सोचती थी आऊँगी वापस तो मेरा ट्रैवल परमिट एक्सपायर हो गया था, उसी वजह से मैं अपनी बहन की शादी में भी नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरा जो ट्रैवल परमिट वो ऑफ हो गया था और वक्त में मैंने उसको रिन्यू नहीं करवाया। तो अभी फाइनली मेरा 1.5 साल के वेट के बाद मेरा ग्रीन कार्ड फरवरी में आया, तो मैं कुछ और प्लान कर रही थी वहाँ पे। मेरी ज़िंदगी वहाँ पे आगे बढ़ रही थी और मैं वहाँ पे अब सेटल्ड हूँ, मेरा कामकाज अच्छा चल रहा है एंड ग्रीन कार्ड आ गया है, एवरीथिंग वाज फाइन। तो वापस आने के कोई प्लान्स नहीं थे, लेकिन इस तरह से सिचुएशन हुई कि मम्मी ने बोला अब थोड़े दिन के लिए आ जाओ, हमसे मिले नहीं हैं इस साल। पिछले बार मम्मी लोग आए थे वहाँ पे, इशिता भी आती रहती है, उनसे मिलना हो जाता है, तो कोई रीज़न नहीं था आने का, लेकिन हो गया बस आना। तो दैट्स ऑल दैट देयर इज़ देयर। मैं चाहती हूँ कि लोग उसको ज़्यादा टू मच उसमें नहीं घुसे, क्योंकि आगे क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता। मैं आई हूँ, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है एंड प्रोजेक्ट्स वगैरह की भी बातचीत चल रही है, लेकिन अभी ये हाल है कि मेरा जो ग्रीन कार्ड है उसकी वजह से मैं अमेरिका से 6 महीने से ज़्यादा बाहर नहीं रह सकती, तो मुझे वो भी देखना पड़ेगा। तो वो सब मुझे संभालना पड़ेगा कि कुछ अगर मुझे पसंद आता है और you know, अगर टाइमिंग मैच करता है, क्योंकि मैं अभी तो फिलहाल 3 या 4 महीने के लिए ही हूँ यहाँ पे। सो तनुश्री मैम, इतना लंबा समय दिया था आपने बॉलीवुड को, फिल्मों को, कितना मिस किया आपने इतने लंबे समय? मैंने पहले 5 या 6 साल तो ज़्यादा मिस नहीं किया, क्योंकि पहले 5 या 6 साल में बहुत ही अलग माहौल में थी, आध्यात्मिक में मैं जुड़ गई थी, तो उस माहौल में फिल्मों की बातें ही नहीं होती और वहाँ पे महत्वाकांक्षा अलग होती है। अगर आप यहाँ पे हैं, बॉम्बे में हैं, तो यहाँ सब फिल्मों और क्रिकेट की बात करते हैं और पार्टियाँ में सबका ये होता है कि अगली पिक्चर रिलीज़ होगी, आगे करियर कहाँ जा रहा है, ये वो। उस माहौल में मोक्ष और मुक्ति की बातें होती है, तो वहाँ पर जब लोग जाते हैं वहाँ की महत्वाकांक्षा ही बदल जाती है और लोग उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मैं भी वहाँ जाके उसी डायरेक्शन में जा रही थी, तो मैंने तो मिस किया ही नहीं। मेरा गोल बन गया था कि मुझे मुक्ति चाहिए और मोक्ष चाहिए, तो मैंने मिस नहीं किया। फिर मैंने कई अलग अलग धर्मों की स्टडीज़ की, वो रास्ते खुलते गए, मौके मिलते गए, तो मैंने हिंदू धर्म के बाद, योग साधना के बाद, बुद्ध धर्म और ईसाई धर्म की भी मैंने स्टडीज़ की। अमेरिका जाने के बाद भी वो मेरा कंटिन्यू रहा। अमेरिका में जाके मैंने मॉडलिंग भी की और इवेंट्स भी किए, इंडियन कम्युनिटी में मुझे हायर किया जाता है ब्रांड्स, तो जो देसी ब्रांड्स है उसको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि मैं वहाँ पे सेटल्ड हूँ, तो जब वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या फिर कोई नई कंपनी लॉन्च करते हैं तो मुझे हायर करते हैं एज अ कंसल्टेंट एंड एडवाइज़र, ऑल्सो अ ब्रांड प्रमोटर। तो मेरा मीडिया और ग्लैमर के साथ थोड़ा मैं जुड़ी रही, लेकिन अध्यात्म में भी मेरी खोजबीन और रिसर्च जारी है। जैसे कि एकाएक आपने बॉलीवुड छोड़ के अध्यात्म तरफ जाने की वजह क्या वजह? मेरा अध्यात्म में हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, बचपन से, बहुत कम उम्र से, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है क्योंकि किसी ने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं।
और यू नो और फ्री टाइम में मैं बुक्स वगैरह पढ़ती थी, जितने भी आपके अभी न्यू एज राइटर्स हैं जो बुक्स यू नो आजकल सब पढ़ रहे हैं, वो मैंने 13-14 साल की उम्र में मैंने पढ़ लिए थे। फिर एक टाइम आया जब मैं मॉडलिंग और बॉलीवुड में मैं सेटल हो चुकी थी, मैं काम कर रही थी, तब जब मुझे फ्री टाइम मिलता था तब उस वक्त मैंने जो अपने जो धर्म है, ये जो प्रॉपरली जो बड़े धर्म है, उसकी मैंने स्टडीज़ मैंने साइड में शुरू कर दी थी। ये मेरी हॉबी थी और मुझे इसमें बहुत रुचि होती थी और बहुत इंटरेस्ट होता था। मुझे कभी कभी सपने भी आते थे, अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस भी होते थे, तो मैं वो मेरा चल रहा था। फिर एक टाइम आया कि लाइफ में मेरे थोड़े उतार चढ़ाव आए, जैसा कि आपको सबको पता है कि करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ, जो मैंने कभी डिस्कस की नहीं है, लेकिन एक यंग पर्सन की लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी उतार चढ़ाव आते हैं, दिल भी टूटता है, दुख भी होता है और बहुत कुछ, यू नो। सो जब आप यंग होते हो तो चीज़ों को आप थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रांगली लेते हो। मैं बहुत हमेशा से सेंसिटिव रही हूँ, मैंने लाइफ को बहुत गहराई से देखा है। मैं चुपचाप रहती हूँ लेकिन मुझे महसूस सब कुछ होता है, यू नो। तो और मैं जब पहले मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, जो मुझे अगर मुझे ख़राब फील हो रहा है, बुरा फील हो रहा है, तो मैं उसको खुद ही गटक जाती थी, यहाँ की जाहिर कर दूँ, तो उसकी वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता था। तो ये अध्यात्म का रुख ऐसे हुआ कि मैंने एक बार फाइनली हाथ ऊपर किए, बोले कि प्रभु अगर आप रियली रियल हो, कि दुनिया तो आपको अलग अलग नाम से पुकारती है, जानती है, लेकिन क्या आप सच में हो? अगर आप सच में हो तो प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए, क्योंकि मुझे इस तरह नहीं जीना। मुझे कि अपनी बॉलीवुड तो ऐसी जगह है कि आप कितना भी अचीव कर लो कम है, यू नो। और हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे प्रोत्साहन नहीं मिलता यंग लोगों को, हर कोई आपको ये जताना चाहता है कि आपने क्या नहीं किया लाइफ में, या क्या करने से रह गए, या फिर क्या आपको करना चाहिए। ज्ञान सब दे रहे हैं, ओपिनियन सबके होते हैं, कुछ ज़्यादा ही ओपिनियन होते हैं। अरे भाई ठहरो ठहरो, बस ज़रूरी नहीं है कि भाग भाग के कहीं पे पहुंचना है, क्योंकि जो पहुंच भी चुके हैं वो भी डिप्रेशन में है, तो क्या पाया? ये भी देखो ना कि सब टॉप पे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो ये तो प्रूव हो गया होता है ना कि टॉप पे जाने के बाद भी लोगों को खुशी मिले वो ज़रूरी नहीं है। तो अगर कोई अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी रहा है तो जीने दो उसको, यू नो। उसको पता है ना, उसको चलना है, उसको अगर कम में खुश है तो खुश है। किसी को पूरी दुनिया मिल गई फिर भी खुश नहीं है तो क्या क्या कर सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें मुझे बॉदर करती थी यहाँ पर। तो ये भी एक रीज़न होता है कि आप उन चीज़ों से दूर जाके आप ध्यान और आध्यात्म में आप चले जाते, तो वहाँ पे कोई बॉदर नहीं करता इन सब चीज़ों को। कोई पूछता नहीं था मुझे आपकी अब नेक्स्ट फिल्म कब रिलीज़ हो रही है, आपने वज़न क्यों बढ़ा लिया है, आपने वज़न क्यों घटा लिया, आपके बाल ऐसे क्यों हो गए। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी भी धर्म रिलेटेड आध्यात्म के माहौल में आप जब जाते हो, अच्छे वाले गुरुजी हैं, अच्छे वाले जो जगह हैं, वैसे तो खराब खराब भी है, आप हमने सुना है अभी वैसी जगह पे नहीं गई बाबा, बचा लिया मुझे, वहाँ पे नहीं भेजा। लेकिन मैं जो भी मैं आश्रमों में गई हूँ, जो भी हर धर्म जो मैंने सीखा है, चाहे बुद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म में शिव की साधना मैंने की है अपने वो कोयम्बटूर वाला आश्रम में, फिर ईसाई धर्म के मैं काफ़ी मैं इन्वॉल्व हूँ, तो मैंने अच्छी जगह पे मैं गई हूँ, अच्छे लोगों से मैंने सीखा है। तो वहाँ पे ना मुझे सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली है, किसी भी हाल में गो, कैसे भी कपड़े पहन के, कोई नहीं देखता अपने डिज़ाइनर कपड़े। यहाँ पे बॉलीवुड में किसी इवेंट में जाती थी, इतना तो खुश होकर तैयार होकर जाती थी, फिर पेपर में नेक्स्ट डे सुबह सुबह एकदम खुश होकर उठी, पेपर में पढ़ा सर्कल करके, ये देखो कैसे कपड़े पहने हुए हैं इसने, ये देखो इसने वज़न हटा लिया है, कमा लिया है। कुछ भी करो यार, लाइफ में सेटिस्फैक्शन किसी को होती ही नहीं है। नो मैटर वॉट यू डू, यू आर वर्किंग सो हार्ड, एवरीबडी इज़ वर्किंग सो हार्ड। कोई ऐसा इंसान है आज की डेट में हमारे देश में जो मेहनत नहीं करता? और मेहनत करने के बाद अगर आपको दुत्कार ही मिले तो कैसा फीलिंग होता है? जान दो यार, नहीं चाहिए, यू नो। इससे मेरी, यू नो, आई फेल्ट लाइक दैट कि कोई तुम मुझे मेहरबानी नहीं कर रहे हो मेरे ऊपर, मुझे फेमस रख के, और मैं अगर फेमस नहीं भी रहूँगी ना तो भी बहुत खुश रहूँगी। तो मेरी ऐसी फीलिंग हुई। तो और अच्छे लोग भी थे, ठीक है, लेकिन जब आप यंग होते हो तो आपको बुरी चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। तो फिर उस वक्त मैं चली गई, मन किया मेरा। जैसे कि 2 साल बाद आप कमबैक किए, जो आपके अपने हैं उनको क्या रीज़न रहा? मम्मी तो बहुत खुश हैं, मम्मी पापा बहुत खुश हैं, क्योंकि
इस साल उनका अमेरिका जाने का कोई प्लान नहीं था तो मैं यहाँ पे आ गई, तो दे आर वेरी हैप्पी मम्मी, रोज़ नए नए पकवान बना के मुझे खिला रही हैं। और बॉलीवुड में? बॉलीवुड में मैं सबके साथ टच में नहीं थी, ऑब्वियसली जब मैं काम कर रही थी तो मैंने थोड़ी बहुत जो फिल्में की तो थोड़े बहुत लोगों के साथ टच में थी, जो लोग मुझे पसंद थे उन्हीं के साथ मैंने टच में रखा, सबके साथ मैं टच में नहीं हूँ। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।